तो फ्रेंड को अपना हर का एक और नया वीडियो है। तो पिछले वीडियो में आपको बहुत कुछ समझा दिया था, बहुत ही अलग अलग तरह के पार्ट्स के बारे में। तो कंप्यूटर की हार्डवेयर की सीरीज के अंदर इस कोर्स को मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर हर तरह की चीज़ें, हर तरह की सिस्टम्स के बारे में। पिछले वीडियो में आपको कुछ समझाया था किस तरह से मैं फिट करना होता है SNPS को, और मदरबोर्ड को किस तरह से फिट करना होता है, वो वीडियो जाकर देखिए। क्योंकि अगर आप कोई भी नया कैबिनेट लेते हैं, कोई भी मदरबोर्ड नया लेते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कितने वोट का है, उस हिसाब से आपको SNPS लेना है। क्योंकि हर मदरबोर्ड जो होता है इम्पोर्टेंट होता है। मदरबोर्ड को फिट करने से पहले इसके अंदर जो CPU है वो फिट करना होता है, उसके बाद में रैम फिट कीजिए, ओके। और फिर कूलिंग फैन फिट करने के बाद आपको मदरबोर्ड लगाना है यहाँ पर, तो वो कैसे करना है, किस तरह से फिट करना है, मैंने आपको बता दिया था कंप्यूटर की हार्डवेयर की पिछले वीडियो के अंदर। और नए टाइप के जो कैबिनेट होती है उसके अंदर नए नए SNPS लगाते हैं, क्योंकि SNPS की रिक्वायरमेंट इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि मदरबोर्ड जो नया है उसका पावर सप्लाई भी आपको उस हिसाब से रखना पड़ेगा। तो SNPS एंड वॉट डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कि SNPS को अगर आपको लेना है तो उससे पहले आपको वॉट का कैलकुलेशन कैसे करना है, मैंने आपको ये समझाया था। तो जितने भी हमारे जो पार्ट्स वगैरह जो होते हैं, हमारे मदरबोर्ड के जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, वही मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, ओके। तो ये वॉट्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, ओके। तो इसके अलावा जो ये सर्वर की जो SNPS होती है वो काफ़ी हाई लेवल पे होते हैं यहाँ पर, जो हमारे डेस्कटॉप से भी कई गुना बेहतर बनाए जाते हैं यहाँ पर। तो हम बात करते हैं GPU वगैरह, मैंने आपको समझा था कितने वॉट होते हैं, PCI क्या होता है, PCI की वॉट कितनी होती है, उसके कार्ड्स वगैरह जो होती हैं आपको समझाया था। और उसके अलावा मैंने आपको समझाया था कि नेटवर्क की कार्ड जो होती है यहाँ पर वो क्या होती है, ये भी आपको समझाया था। उसके साथ में आपको रैम वगैरह जो है 1280 या फिर जितने भी हमारे भी होते हैं रैम, फिर IDE हार्ड डिस्क, डाटा हार्ड डिस्क के अंदर बताया था। फिर जितने भी प्रोसेसर वगैरह जो होती है वो आपको समझाया था। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो कनेक्टर के बारे में होने वाला है यहाँ पर, कनेक्टर क्या होता है, किस तरह का होता है SNPS के अंदर, और कनेक्टर किसको कहते हैं, ओके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कनेक्टर ये ही नहीं पता होता है कि कनेक्टर कौन कौन से SNPS के अंदर होते हैं यहाँ पर, और उसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पर मैं कुछ और नए चेंजेस किए हैं यहाँ पर मेरे चैनल के ऊपर। तो यहाँ पर आपको यहाँ आना है और यूट्यूब ओपन कर लेना है, या तो फिर आपके पास मोबाइल हो तो मोबाइल की एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है, और फिर यहाँ पर लिखना है कंप्यूटर नॉलेज एंड ट्रेनर। तो ये जो एक मेरा नाम चेंज कर दिया है मेरे चैनल का, क्योंकि ये आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो पहले यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे मैं ये एंटर करता हूँ नेम, तो मेरे सामने एक ये जो देख सकते हो कि सामने ये मेरा लोगो है चैनल का। तो जो पुराने मेरे वीडियोस है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जो है नेम पुराना रखा हुआ है, लेकिन अभी ये मैं पुराना नेम हटाकर देख सकते हो कि पुराने जो मेरे वीडियो से, या तो फिर आप कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए यही मैंने रखा है, लेकिन आपको सर्च करना है इसी तरह से। ओके, तो ये एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकॉन पर क्लिक करना है, इससे जो भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक पर है। और यहाँ पर प्लेलिस्ट पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिलेगी, ओके, बहुत सारे अलग तरह की कोर्सेज मिलेंगे। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको मिलेगी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेसिक कंप्यूटर्स के लिए। तो मेन जो चीज़ें हैं यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ मैंने पहले आपको Windows 7 का बेसिक आपको प्लेलिस्ट ओपन करना होगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बेसिक कंप्यूटर्स के ऊपर क्लिक करके बताता हूँ। तो ये जो है यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी बताई गई किस तरह से ड्राइवर को इंस्टॉल करना है, Windows 7 के अंदर कौन कौन से फीचर्स है, जो नए कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं या फिर उनको पता ही नहीं है कि क्या है यहाँ पर इन कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के सिस्टम के अंदर 7 विंडोज है, 8 विंडो, 8.1 विंडो, 10
इन सभी की मैंने प्लेस बनाकर रखी हुई है। प्लस मैंने यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है, ये प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, तो इस प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको अलग तरह की इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये प्लेलिस्ट चेक कीजिए। सभी वीडियो पार्टवाइज होती है, सभी वीडियो मेरी जो होती है वो इंफॉर्मेशन वाइज होती है। पेटीएम, महिंद्रा, यहाँ वो ट्विटर क्या है, किस ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से है, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर मैंने बताया। यहाँ पर तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं, तब बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे जो SMPS होते हैं, यहाँ पर कोई भी SMPS लो डेस्कटॉप का, उसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट होते हैं उसके कनेक्टर। ये बहुत ही अलग अलग तरह की कनेक्टर होते हैं यहाँ पर इसके अंदर। तो मैं स्टार्ट करूँगा पुराने वाले SMPS से। तो यहाँ पर ये बहुत ही अलग है, यहाँ पर इसको मैं यहाँ से सिंपल से समझाता हूँ। यहाँ पर पावर सप्लाई कनेक्शन इज अ कनेक्ट पावर, ये पावर सप्लाई जो है, पावर कनेक्टर जो होता है वो क्या करता है, पावर कनेक्टर कनेक्ट करता है पावर को, कैसे को करता है, बाय पिन्स इनटू द मदरबोर्ड डिवाइसेस एंड पावर रिक्वायरमेंट चिप पिन्स। ओके, तो या तो वो मदरबोर्ड के अंदर जो पिन होती है फिट की हुई, उसके अंदर से वो आपको पावर देगा, और जो डिवाइसेस वगैरह की उसकी चिप की पिन के अंदर से वो पावर देगा। ओके, तो ये चीज़ होती है सीधा सिंपल सी मैंने डेफिनेशन रखी हुई है पावर कनेक्टर के बारे में। तो जो आपकी SMPS होती है, जो वायर निकली हुई होती है, बहुत सारी अलग तरह की वायर होती है, उसके ऊपर कनेक्टर होते हैं यहाँ पर ब्लैक ब्लैक कलर के, उसको कहते हैं कनेक्टर। ओके, और उसके अंदर पिन्स होती है छोटी छोटी। ओके, तो वो पिन से ही वो पावर क्या होती है, सप्लाई होती है, मतलब पावर निकलती है यहाँ पर। अब वो हर पिन के अंदर अलग अलग वोल्ट होती है यहाँ पर, अलग अलग वोल्टेज होती है यहाँ पर। ओके, उसके अलग अलग एम्पियर होते हैं। तो वो कौन कौन से होती है, किस तरह की पिन होती है, कनेक्टर कौन कौन से होते हैं, ये आज हमें सीखना है, समझना है। फिर बाद में हम नेक्स्ट कुछ वीडियोस के अंदर हर अलग अलग करके हम कनेक्टर को हम समझेंगे। तो पहले मदरबोर्ड के बारे में पहले समझेंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ पुराने वाले कुछ मदरबोर्ड के ऊपर से। ये जनरेशन सेकंड और थर्ड जनरेशन की जो बनाई हुई जो सिस्टम है यहाँ पर, देख सकते एक कनेक्टर की एक तरह का मदरबोर्ड है यहाँ पर। इस जनरेशन के मदरबोर्ड के अंदर जो डायरेक्ट सीपीयू नहीं लगाया जाता था, इसको आईडी मतलब यहाँ पर इसको एक कार के स्लॉट के अंदर पहले सीपीयू को फिट किया जाता था, और फिर इसके अंदर उस कार की जो सीपीयू जो था वो इस स्लॉट के अंदर फिट किया जाता था, मतलब कि इसको एंटर किया जाता था। जैसे अब आजकल की PCI के अंदर यूज़ करते थे, तो उस टाइम के अंदर सीपीयू को फिट करने के लिए पहले उसका अलग से कार्ड होता था, फिर उसको कार्ड के अंदर सीपीयू को फिट करो, फिर बाद में इसको उस कार को इसी के अंदर फिट करना होता था, तब जाकर वो सीपीयू जो होता है वो स्टार्ट होता था, इस तरह के पुराने वाले कंप्यूटर के अंदर। लेकिन ये कंप्यूटर के अंदर तो हमने रखा हुआ, लेकिन मेन बेसिक ये चीज़ की अब पावर के बारे में हम समझ रहे हैं, ये सब क्यों मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, इस तरह के जो पुराने वाले जो कंप्यूटर थे उसका SMPS काफ़ी बड़ा होता था, और इसका जो मदरबोर्ड जो वो भी बड़ा होता था यहाँ पर। मेन प्रॉब्लम ये जो था, क्योंकि SMPS जो है, SMPS का काम ये होता है कि पावर को अलग अलग जगह से डिस्ट्रीब्यूट करना हो, कि तो पुराना वाला हो या नया वाला SMPS हो, उसका जो वायर जो है, कनेक्टर जो होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब मेन चीज़ होती है कि जैसी जैसी टेक्नोलॉजी होती है उस हिसाब से उसके पावर कनेक्टर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर। तो अगर मुझे कोई मदरबोर्ड के अंदर 6 पिन का CPU देख सकते हो, यहाँ पर इसके अंदर बहुत फर्क है। अब इस मदरबोर्ड लेफ्ट साइड वाले मदरबोर्ड को देखोगे तो इसके अंदर ना आपको CPU दिखाई देगा यहाँ पर वो जो नॉर्थ, लेकिन इसके अंदर CPU की जगह दिखाई देगी यहाँ पर। जैसे कि CPU का ये न्यू जनरेशन का मतलब कि नया टेक्नोलॉजी का, उसके पर रिसर्च करते इंजीनियर, उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह हर वो चीज़ें जितना हो सके वो बेहतर बनने की कोशिश करें, तब जाकर हम आपको बढ़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो जितने भी स्लॉट है ना, ये स्लॉट के थ्रू उनके अंदर पिन होती है, छोटी छोटी पिन होती है, उस पिन के अंदर भी पावर और डेटा वगैरह जो होती है वो ट्रांसफर होता है। इसी के अंदर भी आप, मैं यही कहूँगा
उसके अलावा लैपटॉप जो होता है, लैपटॉप के अंदर क्या होता है कि लैपटॉप के अंदर भी वो छोटी छोटी आईसी होती है, उसकी भी पिन्स वगैरह जो होती है वो बहुत ही पतली होती है यहाँ पर, पतली लेयर के अंदर। इसलिए यहाँ पर ये जो है कंपोनेंट छोटे होने के कारण, पतली लेयर के जो स्लॉट होने के कारण, ये हमारा लैपटॉप की टेक हो जाके सामने देख रहे हैं यहाँ पर, इतने पतले हमारे लैपटॉप होते हैं यहाँ पर। तो अगर हम यूँ कहें कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का जो मेन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, उसके जो स्ट्रक्चर होती है, उसकी जो डिज़ाइन होती है, उसके जो स्लॉट होते हैं, कनेक्टर होते हैं, पतले बनाए गए, डिज़ाइन किए गए, तब जाकर हमारा लैपटॉप की टेक्नोलॉजी बनी। लेकिन हमें लैपटॉप नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है डेस्कटॉप का SMPS अभी, ओके। तो डेस्कटॉप का जो SMPS जो होता है, वो मैंने कहा था कि हमारा 240 वोल्ट या 110 वोल्ट के अंदर हमारा SMPS स्टार्ट होता है यहाँ पर, ओके। अब इस तरह के पुराने वाले जो SMPS जो होते हैं, उसके अंदर जो वायर निकली हुई थी, इसको कहते हैं कनेक्टर। अब हर कनेक्टर जो होता है वो अलग अलग वोल्ट के हिसाब से उसकी टेक्नोलॉजी के अंदर बनाई गई होती है यहाँ पर, ओके। तो इसके अंदर कुछ पुराने वाले SMPS के अंदर 20 कनेक्टर का ATX पिन मिलेगा या 24 पिन का ATX कनेक्टर मिलता है यहाँ पर। इन सभी पिनों के अंदर अलग अलग वोल्ट होती है, कौन कौन से वोल्ट होते हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको 12 वोल्ट का भी होता है, 5 वोल्ट का होता है, 3 वोल्ट होता है, -3 वोल्ट का होता है, फिर आपको आपको कुछ जगह पर आपको 15 वोल्ट को भी देखने को मिलेगा, कुछ जगह पर आपको और भी अलग तरह के वोल्टेज देखने को मिलेंगे। तो ये जो चीज़ें होती है वो क्यों होती है। अब हम बात करते हैं पहली हमारी पिन कनेक्टर के बारे में, ATX24 पावर सप्लाई कनेक्टर। अब ये ATX क्यों लिखा हुआ है, जो अगर आपने ध्यान नहीं देखा होगा तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको सुना था कि मदरबोर्ड जो होता है स्टैंडर्ड होता है ATX मदरबोर्ड। अब पुराने वाले जो SMPS जो थे, वो पुराने वाले मदरबोर्ड सिर्फ 20 पिनों का आता था, सिर्फ 20 पिनों का। लेकिन चौथी पिनों का जो ये एक बनाया हुआ यहाँ पर एक्स्ट्रा, वो कैसे बना, क्योंकि मदरबोर्ड के अंदर और एक्स्ट्रा चीज़ें आने लगी, जैसे PCI स्लॉट है, फिर रैम के स्लॉट बढ़ने लगे, उसके अलावा CPU भी काफ़ी हाई लेवल होने लगे, हाईटेक होने लगे। तो दूसरा कनेक्टर ये आने लगा कि CPU का पिन भी आने लगा, ओके। CPU के एक्स्ट्रा अलग से पावर दी जाती है, यहाँ से नहीं दी जाती यहाँ पर, इसके अलग से ये इस तरह की पिन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर SMPS में से, हर SMPS में से मिलती है। तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पुराने वाले SMPS की अंदर पुराना वाला मदरबोर्ड था वो सिर्फ 20 पिनों का होता था यहाँ पर, लेकिन जो नए वाले जो मदरबोर्ड जो स्टार्ट हुए 4th generation 5th generation के अंदर, आपको देखने को मिल जाएगा कि 24 पिनों का होता है। उसके अलावा मॉलेक्स कनेक्टर, ये जैसे थे कि मॉलेक्स कनेक्टर, अभी मैं उसको वन बाय वन समझा कि मॉलेक्स कहाँ कहाँ यूज होता है, अभी इतना समझा कि ये कनेक्टर होता है। अब ये कनेक्टर जो होता है मॉलेक्स होता है, उसके अलावा SSD मतलब साटा है यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर मॉलेक्स है और ये साटा टेक्नोलॉजी का ये आपके सामने पिन है। तो ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है FDD, इसको मैं बताऊंगा फ्लॉपी डिस्क ड्राइव किस तरह की होती है वो भी मैं समझाऊंगा। लेकिन अभी ये समझो कि इतने कनेक्टर आपको ये बेसिक आपको एक छोटे से पुराने वाले SMPS में मिल जाएंगे यहाँ पर, ये होता ही यहाँ पर 100% आपको ये पुराने वाले SMPS में मिल जाएंगे। एक तो 24 पिन का एक 20 पिन का बंच होगा, चार अलग होगा, फिर एक साटा होगा या दो भी हो सकते, तीन भी हो सकते, मॉलेक्स भी दो हो सकती कनेक्टर, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। तो इसको क्या करती है, इसको यहाँ पर जैसे कि ये CPU के लिए होता है, ये मदरबोर्ड से अलग से उसकी पिन होती है, इसका अलग से कनेक्टर होता है यहाँ पर, वो बताऊँगा कहाँ पर होता है यहाँ पर। लेकिन हालांकि अभी ध्यान से देखोगे तो इसको यहाँ पर जैसे कि ये 24 पिन का ये मेन मदरबोर्ड को पावर देता है यहाँ पर, ये सिर्फ मदरबोर्ड को पावर देने का काम करेगा। और ये जो देख सकते कि इसके बैकग्राउंड के अंदर पोर्ट वगैरह जो होती है, इसका जो CPU वगैरह जो इससे जैसे SMPS जो होता है यहाँ पर फीडिंग होता है यहाँ पर। तो जितना भी हमारा जो कंप्यूटर के अंदर पावर प्रोसेस देता है, पावर देता है, इसका जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यही होता है कि पावर का जो डिस्ट्रीब्यूट होता है, पावर जो डिस्ट्रीब्यूट होकर अलग से जाता है वो करता है हमारे SMPS, हर जगह से अलग अलग वो डिस्ट्रीब्यूट करके वो अलग अलग पिनों में भेज देता है यहाँ पर। तो SMPS को पहले आपको फिट करना समझ लेना चाहिए, फिर बाद में आपको कनेक्टर के बारे में आपको समझ लेना, मतलब कि ध्यान से रख लेना आपको। तो हर SMPS जो होता है वो दूसरे SMPS से बेहतर बनाने की कोशिश हर कंपनी करती है यहाँ पर। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो SMPS है काफ़ी अलग है, ओके। इससे भी मैंने आपको समझा था पिछले भी
वीडियो के अंदर, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो कि इसके जो कंट्रोल पिन वगैरह जो होती है कुछ चार पिनों का क्या सीपीयू मिलेगा, तो कुछ जगह पर आपको 8 सीपीयू मिलेगा। कुछ और भी बेहतर बनाने के लिए उन्होंने ज़्यादा पावर बढ़ाई गई यहाँ पर। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये 24 का जो भी आपके सामने जो देख सकते हो कि ये SFPS वगैरह जो हमारा जो पिन होते हैं आपको देखने को मिलेंगे। तो ये देख सकते हो कि ये जो SFPS है पुराना वाले SFPS के अंदर ये इतने आपको मिल जाएंगे, कौन से नहीं मिलेंगे अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ यहाँ पर। तो ये मोलेक्स आपको मिलेगा, आपको डेल सहाई आपको कुछ जगह पर मिलेगा, ये नहीं मिलेगा आपको, लेकिन कौन से नए है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अब पुराने वाले में बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी पिन्स है, जितने भी कनेक्टर है, हर कनेक्टर दूसरे कनेक्टर से अलग है और इसकी पावर की वोल्ट की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है, और उसको पावर भेजने का काम, जनरेट करने का काम SFPS का होता है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर 24 पिन ये जो होता है मदरबोर्ड के लिए होता है यहाँ पर। ओके, इनमें से इतने जो है यहाँ पर, ओके, ये जो चार मैंने जो क्रॉस लगाए ये आपको पुराने वाले SFPS में नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ आपको ये 24 या 20 पिन का मिलेगा, या मोलेक्स या साटा या तो फिर 4 पिन का CPU 12 वोल्ट का होगा वो। ओके, इतनी आपको पिन मिलेगी मिलेगी। ओके, हो सकता है 4 पिन डिस्क का भी आपको मिले। ओके, लेकिन यहाँ पर मैं आपको लेटेस्ट जो नई टेक्नोलॉजी जो अभी SFPS आया है उसको मैंने क्रॉस किया है, लेकिन पुराने वाले में आपको ये चीज़ें कौन कौन सी मिलेगी ये 24 पिन के अंदर आपको देखने को। 24 का पूरा काम ही यही होता है कि ये पूरा मदरबोर्ड को पावर देता है। ओके, रैम के स्लोट को, AJP को, कूलिंग फैन को। ओके, लेकिन CPU को वो ही नहीं देता, CPU को अलग से पावर दी जाती है, CPU के लिए अलग से, उस प्रोसेसर के लिए मतलब कि प्रोसेसर के लिए अलग से पिन दी जाती है यहाँ पर। तो AT-S20 का मतलब क्या होता है कि 20 पिनों का जो पुराने वाले जो मदरबोर्ड थे वो सिर्फ 20 पिनों का ही बनाया जाता था ना। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो बढ़ती गई, टेक्नोलॉजी का यूज़ होता गया, मतलब कि AGP की जगह PCI स्लोट बढ़ते गए, रैम का स्लॉट बढ़ता गया, तो और पावर की जरूरत पड़ी तो यहाँ पर 4 पिन लाई गई यहाँ पर अलग से। और इसको अलग से इसलिए किया कि सेटअप किया गया अलग से, क्योंकि जहाँ पर जिन लोगों को 20 पिन की ज़रूरत तो इसको निकाल कर आप मूव कर सकते हो, अगर 24 पिन की ज़रूरत पड़ी है तो आपको इसको फिट करके फिर इसको भी लगा सकते हो, इसको दोनों तरफ से यूज़ कर सकते हो यहाँ पर। ओके, लेकिन यहाँ पर उनकी जो पिन जो होती है वो फिक्स होती है, फर्स्ट पिन में कितना वोल्ट होता है वो सभी SFPS के अंदर फिट होता है यहाँ पर। लेकिन पावर की जो जनरेट होता है यहाँ पर, वोल्ट जो जनरेट होता है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, अलग अलग उनकी जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है यहाँ पर। ओके, अब हम ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो 6 पिन जो PCI जो होता है यहाँ पर ये आपको नहीं मिलेगा, 6 पिन AUX जिसको ऑक्सिलरी केबल भी बोलते हैं यहाँ पर। फिर 4 पिन, अभी तो 4 पिन डिस्क ड्राइव आपको नहीं देखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि 4 पिन डिस्क टेक्नोलॉजी जो है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर यूज़ होने लगी यहाँ पर, 99% फ्लॉपी डिस्क की जगह आप CD/DVD ड्राइव यूज़ होते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर डेल IP, डेल जो डेल का PC वो भी मैं आपको समझ डेल ये क्या होता है, तो डेल के डेल P6 से ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको डेल का अगर SFPS हो तो शायद आपको मिले आपको इस तरह की पिन। लेकिन नॉर्मली मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इस तरह की जो SFPS होती है इसके अंदर कभी भी आपको ये जो चार पिनों को मैं बता रहा हूँ वही मिलेगी, बाकी जो चार पिनों को मैंने क्रॉस किया हुआ है मतलब इसको कैंसिल किया हुआ है, इसलिए देखा रहा हूँ कि इस तरह की पिन जो होती है वो आ चुकी है मार्केट में नई टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर। तो हर पिन का टेक्नोलॉजी दूसरे डिवाइसेस के साथ लगते हैं यहाँ पर। ओके, देखिए 24 पिन का जो होता है वो मदरबोर्ड के ऊपर लगेगी, 4 पिन CPU जो होते वो भी मदरबोर्ड के ऊपर लगेगा, बाकी मोलेक्स जो कनेक्टर है वो हार्ड डिस्क है या मोलेक्स हमारे और भी CPU कूलिंग फैन के जो कनेक्टर होते हैं यहाँ पर वो भी होते हैं, मोलेक्स से और भी बहुत सारे डिवाइसेस हार्ड डिस्क वगैरह लगाए जा सकते हैं यहाँ पर, उसके कन्वर्टर भी यूज़ होते हैं यहाँ। उसी तरह से साटा के अंदर CD/DVD का डिवाइस भी लग सकती है, साटा हार्ड डिस्क भी लगती है, साटा SSD भी लग सकती है, साटा के साथ और भी बहुत सारे डिवाइसेस लगे हुए होते हैं वो भी लगा सकती हो। तो ये जो चीज़ें होती है आपके सामने देखने को मिलेगी। अब हम बात करते हैं 6 पिन PCI Express जो मैंने क्रॉस किया हुआ, ये नए टेक्नोलॉजी के SFPS पे देखने को मिलेगा। ओके, नए टेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि
और पावर की जरूरत और भी पावर की जरूरत के कारण ये 16 जो है ये आपको देखने को तब मिलेगा जहाँ पर लेटेस्ट टाइप के जो मदरबोर्ड होते हैं वहाँ पर आपको ये 16 के सी एक्सप्रेस कार्ड आपको चलाने के लिए ये जो सिस्टम देखने को मिलेगी। उसके अलावा 6 पिन ऑक्सिलरी जो केबल होती है वो आपको देखने को मिलेगा और 4 पिन फ्लॉपी डिस्क ड्राइव होती है वो भी आपको देखने को मिलेगा वो नए वाले यहाँ पर आपके SMPS के अंदर होगी। तो हर SMPS की जो वॉल्ट होती है उसकी वॉल्ट की जनरेशन होती है मतलब कि उसका जो पावर जनरेट करना होता है वो अलग तरह के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अंदर यूज होते हैं आप लोग के। ATS 20+4 पिन जो होती है 24 पिनों का सिस्टम और मोलेक्स जो होती है वो आपके सामने है। इसके अलावा साटा पावर 3 एम्पर जिसमें कि 4 पिन CPU 12 वोल्ट का होता है आपके सामने देखने को मिलेगा यहाँ पर। ओके हर मदरबोर्ड की जो रिक्वायरमेंट उसकी पावर सिस्टम उसकी रिसोर्सेज वगैरह जो होती है अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। अब ध्यान से देखिए कि ये नया SMPS नए टेक्नोलॉजी का नए जनरेशन का ये SMPS है लेकिन हालांकि ये जैसे कि बहुत सारे अलग आपको मॉडल्स देखने को मिलेंगे साटा डीसी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के मिलेंगे इनको अलग से बनाया गया अलग ढंग से बनाया गया यहाँ पर मतलब कि पावर तो वही देगा लेकिन उसकी जो केबल की क्वालिटी है काफ़ी अच्छी बनाई गई है यहाँ पर। ओके और हर अपनी जरूरत से हिसाब से आप यहाँ पर लगा सकते हो। उसके अलावा 24 पिन का भी इसकी इस तरीके से SMPS के अंदर जैसे और भी चीज़ किसी की मैंने कहा कि इसके वॉट जो होते हैं वो काफ़ी अलग होते हैं यहाँ पर। ओके तो काफ़ी ये हाई लेवल के वोल्टेज को जनरेट कर सकते हैं यहाँ पर लेकिन इस तरह की जो जैसे कि पिन जो है इसी के अंदर फिट होते हैं यहाँ पर। ओके तो एक पिन जो होती है वो आपकी डिवाइस के अंदर लगेगी और दूसरी पिन जो आपकी SMPS के अंदर लगेगी वो कौन सी पिन है कौन किस तरह की पिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ध्यान से देखें कि उसके ऊपर कूलिंग फैन लगा हुआ इस तरह का मतलब कि उसकी जो अंदर की जो सर्किट होती है वो जो गर्म होती है गर्म हवा को बाहर निकालने के लिए। और ध्यान से देखो क्योंकि इसकी जो फ्लेक्सिबल टाइप का मूवेबल टाइप का ये जो SMPS रखा हुआ है यहाँ पर। ओके तो हर SMPS की जो टेक्नोलॉजी होती है इसकी जो सिक्योरिटी वगैरह जो होती है वो आपके सामने है यहाँ पर। ओके और ध्यान से देखो कि इसके अंदर भी आपको और भी आपको पिन मिलेगी देख सकते हो कि मैं आपको ये 24 पिन का ये देख सकते कि ये ATX है ये PCIe का एक तरह का अलग से कनेक्टर है यहाँ पर देख सकते हो कि ये और भी आपको कनेक्टर मिलेंगे यहाँ पर इसके अंदर नहीं मिलेगा आपको। इसके अलावा साटा आपको मिलेगा आपको Dell 6 यहाँ पर ये भी नया टाइप का जनरेशन का ये पिन है यहाँ पर पावर का ये कहाँ पर इस किस तरह से यूज होता है वो भी समझाऊंगा। और भी बहुत कुछ आपको अलग तरह के सिस्टम आपको जैसे कि आपको पता ही मैंने आपको समझा दिया था अभी ही कि कौन कौन से पिन होते हैं प्रॉफिट डिजा 4 पिन जैसे कि आपको चाहिए 4 पिन वाला तो आप इससे कर सकते हैं या तो आप इस आप कुछ डेल का कोई डिवाइस जो 6 पिन को सपोर्ट करता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो इस तरह से नए नए। उसके अलावा ध्यान से देखोगे कि कुछ ऐसे हमारे कन्वर्टर होते हैं यहाँ पर जैसे कि मोलेस टू मल्टीपल मोलेस केबल को कनेक्ट करने कन्वर्टर होते हैं यहाँ पर इससे पिन होती है जो मार्केट में अवेलेबल है मोलेस में से साटा में कन्वर्ट करना है साटा केबल में तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो कन्वर्टर भी यूज़ कर सकती हो। तो जिसके पास आपको साटा की जरूरत है साटा टेक्नोलॉजी जरूरत है तो आप इससे कन्वर्टर यूज़ कर सकती हो और बाहर से और एक्स्ट्रा केबल लाने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर। इस तरह से कन्वर्टर को यूज़ करके भी आप अपना RDS जो है ऑन कर सकते हो स्टार्ट कर सकते हो ये होता है हमारा मेन आपका CPU का मेन पिन। ओके तो जितने भी हमारे जो पिन होती है साटा 20, 24 पिन और मोलेस और भी बहुत कुछ साटा पावर सप्लाई वगैरह जो होती है आपके सामने देखने को मिलेगा यहाँ पर ये चीज़ें होती हैं यहाँ पर। ओके तो SMPS एंड पावर सप्लाई जो होती है वो हर तरह के पिनों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है उसकी पावर को सेंड करने के लिए। ओके उसको भेजने के लिए पिन्स होती है उनके अंदर। ओके और वो एक ही चीज़ वो इम्पोर्टेंट होती है जो कंट्रोल जो SMPS होता है मदरबोर्ड की पिन से ही होता है जिसके ऊपर ग्रीन और ग्रे दो पिन होती है यहाँ पर। ओके दो तरह की वायर होती है 24 के अंदर। तो जब मदरबोर्ड जो ऑन होता है तो कौन ऑन करता है कौन सी वायर ऑन करती है वो भी मैं समझाऊंगा। ओके तो बेसिकली जो हमारा जो मेन मदरबोर्ड होता है वो किस तरह का होता है जैसे तो कि अभी हम 2018 का 12 जनरेशन का 1200 वोल्ट का आपके सामने SMPS रख रहा हूँ यहाँ पर। ओके तो एक और आपके सामने ये मदरबोर्ड है और इस मदरबोर्ड के अंदर आपको बहुत सारी अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि CPU सॉकेट वगैरह जो है यहाँ पर नॉर्थ पीछे साउथ पीछे बैकग्राउंड पोर्ट्स वगैरह है यहाँ पर इतने सारे जो मदरबोर्ड के अंदर आपको इस तरह के मदरबोर्ड में आप लगाना चाहोगे तो ये मदरबोर्ड
के ऊपर जितना लोड पड़ेगा और मदरबोर्ड जो है जल जाएगा, क्योंकि ये 600 वोल्ट का ये मदरबोर्ड है यहाँ पर देख सकते कि, और अगर उसके अंदर आप ज़्यादा वोल्टेज दोगे तो ये जो है मदरबोर्ड जलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा अगर लो वोल्टेज होगा मतलब कम पावर होगा तो भी मदरबोर्ड जल सकता है, क्योंकि इसके ऊपर जो लोड ज़्यादा होता है यहाँ पर, इस वजह से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि मदरबोर्ड का जितना भी वॉट होता है उस हिसाब से ही आप अपना SMPS खरीदें। तो मदरबोर्ड के वॉट मैंने आपको जैसे कहा कि जितनी भी टेक्नोलॉजी जैसी टेक्नोलॉजी मतलब कि हर मदरबोर्ड की दूसरे मदरबोर्ड कंपेयर करोगे तो वो थोड़ी टेक्नोलॉजी जो होती है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, मतलब कि उसके हिसाब से आप ध्यान से देखोगे कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट जैसे कि वाईफाई इनबिल्ट होना चाहिए, तो इस तरह के जो भी इंसिडेंट होते हैं मतलब कि जो प्रॉब्लम होती है इस तरह के जो मदरबोर्ड के अंदर जो गर्म होती है यहाँ पर, इस तरह से सॉकेट जो जल जाता है यहाँ पर या फिर CPU को डैमेज होता है, तो इसका रीज़न यही होता है या तो वो हाई वोल्टेज के कारण जल चुका है या फिर लो वोल्टेज के कारण वो उसके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ा है यहाँ पर। तो इम्पोर्टेंट यह पार्ट है कि पहले आप देख सकते कि इस तरह के जो मदरबोर्ड होते हैं ये जो है 1200 वोल्ट का मदरबोर्ड देख सकते कि ये चल जाएगा, क्योंकि इस मदरबोर्ड के अंदर इसकी कैपेसिटी है लेकिन इस मदरबोर्ड की नहीं है। इसका रीज़न यही होता है कि हर टेक्नोलॉजी देख सकते कि ये भी 1200 वोल्ट का MSI कंपनी का, तो MSI कंपनी का देख सकते कि 1200 वोल्ट का आपके सामने और एक आपके सामने मदरबोर्ड, एक और ये GigaByte कंपनी का मदरबोर्ड है यहाँ पर, ये भी चल जाएगा लेकिन ये 1200 वोल्ट का नहीं है, ये कम से कम आपको 800-900 वोल्ट का होता है यहाँ पर, ये 1200 वोल्ट का, ये भी 1200 वोल्ट का यहाँ पर। तो हर मदरबोर्ड की जो आप बॉक्स लेते हो तो उस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ होता है, मदरबोर्ड के ऊपर भी लिखा हुआ होता है कितने वोल्ट होते हैं यहाँ पर, तो इसकी वोल्ट की जो कैलकुलेशन होती है उस हिसाब से आपको SMPS लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर हर तरह की एक टेक्नोलॉजी दूसरे से अलग होती है यहाँ पर, लेकिन मदरबोर्ड की जो स्ट्रक्चर होगा सेम होगा, इसके अंदर रैम होगी, CPU होगा, सेम SSDs होगा यहाँ पर, जैसे कि क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि हमें पहले ये ध्यान में रखना था उसके एम्पियर कितने होते हैं, वोल्टेज कितने होते हैं, वॉट क्या होता है, ये तीनों चीज़ें हमें देखनी होती है। तो वॉट का कैलकुलेशन मैंने आपको समझा था किसे करना होता है कि AGP स्लोट या CPU रैम वगैरह इन सब का कैलकुलेशन करते हैं हम, तब जाकर हमारा वॉट निकलता है। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती तो इन शॉर्ट में आपको देखना है मदरबोर्ड के ऊपर कितने वॉट लिखे हुए यहाँ पर, ओके, तो उस हिसाब से आपको SMPS लेना होगा, ओके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और आपके सामने जो एम्पियर वगैरह जो है वो मैं इलेक्ट्रिकल के अंदर बताऊँगा एम्पियर क्या होता है और किस तरह के वोल्टेज के अंदर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हमारा CPU सॉकेट जो है हमारा जो है गर्म हो जाता है यहाँ पर, और गर्म होने के कारण जो है ये एक जलने का चांसेस बढ़ जाता है यहाँ पर, ओके। तो हमारा जो मदरबोर्ड होती है वो MSI और भी बहुत सारे GigaByte की कैटेगरी में आते हैं यहाँ पर, ओके। तो ज़्यादा हाई लेवल का मदरबोर्ड होगा तो उसका पावर बैलेंस सिस्टम टेक्नोलॉजी उसके अंदर होता है यहाँ पर, ओके। तो पावर बैलेंस सिस्टम क्या होती है कि अगर ज़्यादा पावर आएगा तो ऑटोमेटिकली मदरबोर्ड जो होता है वो बंद हो जाता है यहाँ पर, वो आपका डैमेज कम होता है। ऐसे मदरबोर्ड जो होते हैं वो 11 जनरेशन 12 जनरेशन में होते हैं इस तरह के मदरबोर्ड में, ओके। लेकिन देख सकते हो कि इस तरह के मदरबोर्ड के अंदर ज़्यादा वोल्ट होगा तो वो कैपेसिटी रखता है कि ज़्यादा वोल्ट आने का ऑटोमेटिकली वो शटडाउन हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा गर्म होगा तो भी वो शटडाउन होता है यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर कुछ सेंसर दिए होते हैं यहाँ पर, इसको थर्मल सेंसर वगैरह जो होती है उसके अंदर, और भी बहुत सारे हीट सेंसर्स होते हैं यहाँ पर, और उसके अलावा जो हमारे मदरबोर्ड के अंदर खास एक बायोस की सेटिंग्स होती है कि इतना टेम्परेचर होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो मदरबोर्ड होगा वो बंद हो जाएगा, मतलब आपका कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं मदरबोर्ड की जो गर्म हो रहा है या फिर ज़्यादा उसकी वोल्टेज मिल रहा है तो गर्म हो रहा है, वो गर्म होने के कारण वो बंद हो जाएगा मतलब, ओके। तो मदरबोर्ड के अंदर क्यों ऐसा होता है, क्योंकि देखिए कि 1200 वोल्ट है और ये 1200 वोल्ट में चल जाएगा क्योंकि इसकी कैपेसिटी इतनी है, ओके। क्योंकि इसके अंदर मदरबोर्ड के अंदर रैम CPU और भी जो टेक्नोलॉजी है वो 1200 वोल्ट की रिक्वायरमेंट कर रही है, मतलब कि उसकी ज़रूरत है यहाँ पर, ये इस तरह का मदरबोर्ड चल जाएगा। लेकिन हम बात करते हैं कि SMPS को किस तरह से आप देख सकते कि वोल्ट वगैरह जो होती है वो, तो SMPS जो होती है वो इस तरह के मदरबोर्ड के अंदर जो वोल्ट जाएगी तो वो पूरा डैमेज करने का चांसेस ही होता है, क्योंकि उतना ही इतना कैपेसिटी या कैपेबल नहीं है और ना ही इतना इसके अंदर पावर
जो यूज करने की उसकी सेटिंग नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में क्या क्या होता है कि जो सॉकेट जो होता है वो डैमेज होने का चांसेस बढ़ जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके अंदर जो सेंसर और पावर कट टेक्नोलॉजी नहीं होती है। और उसके अलावा जो इसके अंदर जो पावर कट टेक्नोलॉजी भी होती है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाता है, यहाँ पर सेंसर भी ज़्यादा इसके अंदर होते हैं यहाँ पर इसके अंदर। तो बेसिकली क्या होता है कि हर तरह के जो कंप्यूटर जो होते हैं, जैसे देखिए सिक्स जनरेशन के बाद यहाँ पर इसको ज़्यादा मतलब कि बहुत ही जल्द से स्ट्रक्चर में बनाया गया यहाँ पर फोर्थ जनरेशन फाइव जनरेशन के अंदर। तो यहाँ पर जैसे देखिए उसके अलावा बहुत सारी अलग अलग नई नई टेक्नोलॉजी आई, NVMe टेक्नोलॉजी, SSD टेक्नोलॉजी, फिर कुछ हाई डेफिनेशन ऑडियो सिस्टम, हाई डेफिनेशन टेक्नोलॉजी जो 3D वगैरह जो होती है, नॉर्थ भी साउथ भी चिप को काफ़ी अपग्रेड किया गया यहाँ पर। उसके जो अलग अलग कैपेसिटर जो होती है वो भी चेंज किए गए यहाँ पर नए मदरबोर्ड के अंदर, और भी आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हर जो मदरबोर्ड होते हैं उसकी अलग अलग अपनी कैपेसिटी होती है। बैकग्राउंड के पोर्ट की अंदर हम बात करते हैं तो HDMI है, ऑडियो पोर्ट है, VGA पोर्ट है, PS2 पोर्ट है, हमारा पैरल पोर्ट वगैरह जो होता है यहाँ पर, ये पुराने वाले मदरबोर्ड में आपको, लेकिन HDMI वगैरह जो होती है वो भी आपको नए में मिलेगी। साथ ही आपको और भी नए नए USB 3.0, आपको Wi-Fi वगैरह, फिर NVMe SSD लगा सकते हो, और भी बहुत कुछ आपको। ये एक रैम जो स्लॉट होती है वो 4 स्लॉट आते हैं नए में, लेकिन कुछ मदरबोर्ड के अंदर सिंगल रैम स्लॉट आते हैं, ऐसा जो होता है वो कम पावर लेने वाले मदरबोर्ड होते हैं। मदरबोर्ड की रिक्वायर्ड पावर जो होती है उस हिसाब से ही हमें मदरबोर्ड का पावर रिक्वायरमेंट लेना चाहिए, ये ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर ज़्यादा पावर वोल्ट आया तो वो आपका मदरबोर्ड जलाने का चांसेस बढ़ जाएगा यहाँ पर, ओके, क्योंकि वो उतना पावर का कैपेसिटी का बना नहीं है हमारा मदरबोर्ड, और इस हिसाब से हमारा मदरबोर्ड जो होता है वो जलने के चांसेस बढ़ता है यहाँ पर, ओके। तो आपको ये पहले पता कर लेना होगा क्या होता है, किस तरह के वर्कआउट होते हैं आपको, ओके। आप फिजिकल और सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी रखनी है वहाँ, ओके। अब हम बात करते हैं पहले फिजिकल की और सॉफ्टवेयर की। देखिए सॉफ्टवेयर की हम बात करें तो हमारे बायस को हमें इस तरह से सेट करना होगा कि हमारे पीसी हेल्थ की हमें ऑप्शन में जाना होगा, ओके। और ऑप्शन में जाने के बाद आपको CPU टेम्परेचर और सिस्टम टेम्परेचर इसको आपको ऑटोमेटिकली शट डाउन में रखना है यहाँ पर, ओके। जैसे इसकी लिमिट्स है 90 डिग्री या जो भी हो, वो ऑटोमेटिकली जैसे ही उस हीट पर पहुँच जाते तो ऑटोमेटिकली वो शट डाउन हो जाए, क्योंकि जो ऐसे सॉकेट जो होते हैं जलने की कोशिश जो होती है तो उसको क्या होता है वो डैमेज करने का काम रोक सके यहाँ पर, जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग CPU, ओके। तो ये बहुत सारे अलग डिफरेंट वायर्स के जो हमारे मदरबोर्ड के जो सॉकेट होते हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे, ओके। तो फिजिकल और सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर, ओके। तो ध्यान से देखिए कि हमारी जो सॉकेट जो होती है वो गर्म होकर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, गल सकती है, मतलब कि वो अलग तरह की जो प्लास्टिक जो सिस्टम जो होती है वो ख़राब हो सकती है। तो फिजिकल और सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी आपके सामने ये चीज़ दिखा देती है यहाँ पर, ओके। तो हमारा जो मेन मदरबोर्ड होता है या फिर जो हमारा मदरबोर्ड की जो स्ट्रक्चर होता है उसका जो डैमेज वगैरह जो होती है वो फिजिकली क्यों होती है, क्योंकि जब हम कोई भी SMPS वगैरह उसके अंदर फिट करने जाते हैं या तो फिर हमारा कोई RAM लगाने जाते हैं या फिर हम CPU लगाने जाते हैं, तो कोई ऐसी जगह पर हमारा डैमेज हो जाता है या फिर कोई हमारा सॉकेट की पिन जो है वो टूट जाती है, तो फिजिकल डैमेज ना हो इसके लिए फिजिकल सिक्योरिटी रखनी चाहिए हमें। हमें जो भी हम पहले CPU खोल कर कंप्यूटर SMPS लगाएं, CPU लगाएंगे, RAM लगाएंगे, कूलिंग फैन लगाएंगे, उसके बाद ये स्टार्ट होगा, ओके। तो हमारा जो न्यू टाइप के जो हमारे SMPS है कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे, जैसे कि मैंने कहा पिन की टाइप होती है यहाँ पर जो डायरेक्टली वायर नहीं होती है, तो ये जो है एक तरह का आपको SMPS देखने को मिला नई टेक्नोलॉजी का न्यू टाइप का। तो सेल्फ टेस्ट वगैरह जो होती है वो है, और यहाँ पर जितने भी वोल्ट की जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये वोल्ट की कैटेगरी है यहाँ पर। तो न्यू जनरेशन का SMPS, नए टेक्नोलॉजी का SMPS आपको देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हैं कि ये भी कुछ SMPS आपको देखने को मिल जाएंगे इसी तरह के, ओके। हर वोल्ट जैसे देखिए ये रेड में कितने वोल्ट आएंगे ये सब कुछ पहले से ही यहाँ पर, ओके। तो 3 वोल्ट कितने होंगे, 5 वोल्ट कितने होंगे, 12 वोल्ट किस में होंगे, ये
ये सब कुछ यहाँ पर जो होती है उनकी पिन फिक्स होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये समझना होगा। तो ये जितने भी पिन है, साटा पिन है, वो आपको समझाऊंगा मैं वन बाय वन करके। अभी ये इतना समझो कि कोई भी हमारा SMPS होता है, इस तरह का न्यू टर्म न्यू मूवेबल टाइप का फ्लेक्सिबल टाइप का जो हमारा एक SMPS होता है, अब यहाँ पर 24 एक पिन लगती है यहाँ पर। तो एक पार्ट होता है छोटा, एक पार्ट होता है बड़ा, यहाँ पर 24 पिनों का दे सकते कि ये आपका SMPS का एक आपको ये मिल रहा है यहाँ पर। ओके, तो ये जो है हमारे सामने ये यहाँ पर आपको 24 पिन जो होती है यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप भी देख सकते कि ये हर पिन की, मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर पिन का जो वॉल्ट होता है उसका वार, यहाँ पर जो ग्रे पिन देख सकते हैं, ग्रे पिन भी हमारा जो पावर को शट डाउन करने के लिए, बंद करने के लिए होता है यहाँ पर। और दूसरा होता है ग्रीन पिन, ओके, इनका काम होता है। तो ग्रीन पिन का काम होता है ऑन करना, और ग्रे पिन का होता है शट डाउन करना। जैसे कि मैंने कहा कि स्टार्ट मेनू में जाकर हम शट डाउन कर देते, तो यहाँ से वो एक वोल्ट भेजता है यहाँ पर, यहाँ से एक सिग्नल जाता है यहाँ पर, ओके, और मदरबोर्ड को, पूरी सिस्टम को, जितने भी हमारे हार्ड डिस्क वगैरह जो है, वहाँ से पावर ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है यहाँ पर, ओके। तो ये होता है हमारा एक SMPS के 24 की सिस्टम। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ समझाऊंगा किस तरह से होता है यहाँ पर। अभी इतना समझो कि जितने भी हमारे मदरबोर्ड के अंदर वोल्ट होता है यहाँ पर, जैसे देखिए ऑरेंज है, रेड है, येल्लो है, पर्पल है, ब्लू है, हर तरह के अंदर अपने अपने अलग अलग वोल्ट होते हैं यहाँ पर। ये मैंने आपको मेंशन करके लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे कि आपकी ब्लू है तो ब्लू के अंदर भी आपको दे सकते कि कुछ पेशेंट भी ICS के लिए हमें इस तरह की जो है अलग अलग वोल्ट चाहिए होते हैं यहाँ पर। और फिर वहाँ से हमारा मदरबोर्ड से डिवाइड होता, मतलब कि अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अलग अलग जगह पर भेज देता है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं पिन की यहाँ पर, जैसे कि ये 24 पिन का, जैसे देखिए इस तरह की पिन होती है यहाँ पर। अब यहाँ पर PCI 6 पिन, PCI और आपको CPU के लिए भी आपको ये चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, पिन से पहले तो हमारे स्क्रू हो गए यहाँ पर, यहाँ पर जैसे देखिए हम स्क्रू फिट करते हैं यहाँ पर, ओके, जो SMPS को फिट करने के लिए, लगाने के लिए हमारे कैबिनेट के अंदर होगी। तो ये 4 स्क्रू हो गए हमारे, जो नए टाइप के SMPS है वो समझा रहा हूँ यहाँ पर, ओके। और फिर आप देख सकते हो कि ये जो आपके सामने पिन से देख सकते हो कि ये बहुत सारी अलग फ्लेक्सिबल टाइप की पिन होती है। इस तरह की टेक्नोलॉजी के अंदर आपको जो भी जितना ज़रूरी हो वही लगा सकते हो आप, बिना ज़रूरी आपको क्या कर सकते हो, आप चेंज भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो, हटा भी सकते हो यहाँ पर, ओके। तो अपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो सेट कर सकते हो आप यहाँ पर। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि 6 पिन PCIe CPU 4 जो देख सकते हो कि ये जो पिन है आपके सामने यहाँ पर, ओके। तो ये जो हमारा जो PCI स्लॉट है यहाँ पर, PCI सिस्टम जो CPU है यहाँ पर, ध्यान से देखोगे कि हर तरह के जो मदरबोर्ड होते हैं, हर तरह के मदरबोर्ड जहाँ पर आपको ज़रूरी होगी नया टाइप की CPU की सॉकेट वगैरह जो है, नया टाइप की जो PCI स्लॉट के लिए, अगर आप देखोगे तो मैं आपको समझाऊंगा वन बाय वन करके। ये 8 तरह की पिन होती है यहाँ पर, ओके। तो PCI स्लॉट और 4 पिन CPU या 6 पिन CPU दे सकते हैं यहाँ पर। ये जो है आपको मोलेक्स दिखाई देता है यहाँ पर, मोलेक्स, और ये जो है 24 पिन। उसके अलावा ये जो दे सकते हैं कि ये 4 पिन का आपको मिलेगा, उसके अलावा आपको 6 पिन का ये भी मिलेगा। तो ये जो 6 पिन वगैरह जो यहाँ पर PCI में लगेगा, और भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा अभी नहीं। अब ये मोलेक्स फीमेल मोलेक्स 2 ये फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है यहाँ पर, ओके। तो ये कन्वर्टर इस तरह से यहाँ पर मिलेगा। फिर आपको ये भी आपको साटा दे सकते हो, साटा टेक्नोलॉजी दे सकते हो कि साटा के लिए आपको लेफ्ट साइड आना पड़ेगा। ये जो यहाँ पर ये जो साटा लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके, तो पेरेफेरल आपको दे सकते पेरेफेरल और साटा टेक्नोलॉजी के अंदर, तो ये बहुत ही अलग तरह। और यहाँ पर आपको PCI और CPU सिस्टम मिलेगा यहाँ पर, और 8 पिन का। तो हर तरह की जो SMPS की टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि यहाँ पर आपको साटा हार्ड डिस्क या साटा टेक्नोलॉजी लगनी है, तो यहाँ पर साटा आपको ये पिन लगेगी यहाँ पर। तो बेसिकली जितने भी हमारे जो कंप्यूटर होते हैं, हर तरह के जो आपके सामने दे सकते कि साटा और साटा की जो पिन कनेक्टर वगैरह होते हैं यहाँ पर, आपको PCI यहाँ पर ही लगाना होगा यहाँ पर, ओके। तो बेसिकली जितने भी हमारे जो जैसे देखिए यहाँ पर साटा वगैरह जो सिस्टम होते हैं, पेरिफेरल साटा वगैरह जो होती है, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर, ओके। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरह की आपको साटा वगैरह कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सिस्टम आपको देखने को मिलेगी। तो हर तरह की जो मदरबोर्ड की सिस्टम होती है, हर तरह के मदरबोर्ड के जो काम करने की जो तरीके होती है उनके अलग अलग होते हैं, लेकिन प्रोसेस एक ही होगी, क्योंकि इसके अंदर CPU
रैम मदरबोर्ड जो होती है, क्योंकि हर तरह के स्ट्रक्चर जो होते हैं इसकी टेक्नोलॉजी है बदलती रहती है यहाँ पर। तो अगर आप ध्यान से देखो कि थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फाइव जनरेशन, सिक्स जनरेशन, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन और ट्वेल्व, इन सभी मदरबोर्ड के अगर देखोगे स्ट्रक्चर चेंजिंग होती रहती है यहाँ पर। अब इस तरह की जो पिन जो देख सकते हैं कि मेरे सामने ये जो है एक तरह का सीपीयू पिन है यहाँ पर। अगर आपको ये देख सकते हैं कि ये वाली पिन आपको यहाँ पर लगानी होगी तो ये पिन नहीं बैठेगी, मतलब सेट नहीं होगी, आपको पता ही चल जाएगा। तो नए तरह की जो SMPS होती है उसके अंदर आपको सही जगह पर सही तरीके से आपको फिट करना होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे क्यों हमें नया मदरबोर्ड लेना चाहिए, सही टेक्नोलॉजी अपडेट क्यों करनी पड़ती है। क्योंकि जब हम नया कोई मदरबोर्ड हाई लेवल का लेते हैं, हाई परफॉर्मेंस का लेते हैं, तो हमें क्यों SMPS को टेक्नोलॉजी को, मतलब कि हमारे SMPS को बढ़ाना पड़ता है, यहाँ पर इस तरह के नए टाइप के SMPS लेने पड़ते हैं। तो मैं वो सब कुछ समझाऊंगा वन बाय वन करके। अभी आपको सामने ये जो SMPS का जो पोर्ट समझा रहा हूँ यहाँ पर, ये पिंस वगैरह समझा रहा हूँ, इसका रीज़न यही है क्योंकि जो आज के टाइम के अंदर जो SMPS है, जो लोगों को पता नहीं चलता है कि बेसिकली क्या होता है कि अलग अलग तरह की जो पिन्स वगैरह जो होती है उसकी ऊपर डिपेंड होता है कि कौन सी पिन कहाँ लगेगी। अगर कोई भी पिन इधर उधर की लग जाएगी तो आपका मदरबोर्ड डैमेज हो सकता है यहाँ पर। तो हर तरह की पिन को मैं समझाऊंगा कहाँ पर लगाना है, किस तरह से लगाना है, उसकी जो पिन की जो सेटिंग्स वगैरह जो होती है वो भी यहाँ पर, उसका स्ट्रक्चर जो वगैरह होता है वो भी समझाऊंगा यहाँ पर वन बाय वन करके। तो जो SMPS जो होती है, हर SMPS की अपनी वैल्यू होती है, अपनी एक वॉल्ट की सिस्टम होती है, उसका अपना वॉल्ट होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो SMPS जो है देख सकते हैं कि ये पिन्स है, यहाँ पर साटा पिन्स वगैरह जो है आपके सामने ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं आप लोग। तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है और अपडेट करना पड़ता है SMPS की टेक्नोलॉजी को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। बेसिकली जितने भी हमारे SMPS की पावर टेक्नोलॉजी होती है वो कहीं ना कहीं हमारे मदरबोर्ड से जुड़ी होती है। तो मदरबोर्ड के अंदर आप ध्यान से नहीं देखोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, तब तक के लिए ध्यान से बचाओ, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि मेरी नई वीडियो को आप मिस ना करें। तो कोई भी क्वेश्चन था कमेंट कर सकते हो। तो थैंक यू। जैसे सकते कि यहाँ पर और भी एक विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग तरह की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि जैसे तो कि विंडोज 10 के अंदर भी, तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी यहाँ पर, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है, कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी, कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये बुटन है, ये अभी सीखिए, और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सीखा है मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस है विंडोज 10 के यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, माइक्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर मैंने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूजर पर क्लिक करना है यहाँ पर, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब तक अपना आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये बुरा नहीं आपके लिए। और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊँगा। ओके, एंड्रॉयड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक कर तो बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर,
और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो, तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पूरा नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूँगा। ओके, तो थैंक यू।